आने वाले समय पे साउथ इंडस्ट्री से काफी अच्छी मूवी आने वाली है जिसको पैन इंडिया लेवल में रिलीज करने की सोच रही है। ट्रिपल आर, पुष्पा, केजीएफ, बाहुबली, विक्रम जैसी बड़ी बड़ी मूवी जो इंडियन सिनेमा को काफी ऊंचाइयों में लेकर जा रहा है। साउथ इंडस्ट्री से और भी नए कॉन्सेप्ट की मूवी हम एक्सपेक्ट भी करते हैं जो की बॉक्स ऑफिस में काफी तगड़ा धमाका करेगा। चलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले अपकमिंग टॉप 11 साउथ इंडस्ट्री पैन इंडिया मूवीज के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाले, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड गाइस, आप छोटा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए क्योंकि ऐसा इंस्टेंट हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो जल्दी स्टार्ट करते हैं। नंबर 11 पे आता है RC50। ये रामचरण की आने वाली पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसको डायरेक्ट कर रहे एस शंकर और फिल्म का स्टोरी लिखा है कार्तिक सुबराज। फिल्म में आपको रामचरण के साथ कियारा आडवाणी भी देखने को मिलेगा। RC15 एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि एक पावरफुल मैसेज प्रोवाइड करता है। ये फिल्म बेस्ड है एंटी करप्शन के ऊपर। एंड गाइस, रामचरण इस फिल्म में एंटी करप्शन क्रूसेडर का रोल प्ले करते हुए देखने को मिलेगा। 170 करोड़ की हाई बजट की फिल्म, अब फिल्म रिलीज होने के बाद देखना होगा कितना कलेक्शन कर पाता है। बात करें फिल्म रिलीजिंग डेट को, ये फिल्म आपको 14 नवंबर तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। नंबर 10 में आता है केजीएफ चैप्टर 3। केजीएफ जिसका हाइप कुछ अलग ही लेवल का है, नाम सुनने के बाद लिटरली अंदर से घुसबा मारने लगता है। केजीएफ चैप्टर 2 का एंड में हमें दिखा दिया केजीएफ चैप्टर 3 भी आने वाला है। हालांकि इस फिल्म का ट्रेलर और टेजर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया, बट फिल्म आने वाली ये तो कंफर्म है। केजीएफ चैप्टर 3 से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपसे करने वाला हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केजीएफ के प्रोड्यूसर किसी बड़े हॉलीवुड स्टूडियो से कोलैब कर रहे हैं क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 को इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। केजीएफ से ज्यादा ट्रिपल आर को बाहर के मार्केट में ज्यादा एप्रिसिएट मिल रहा है, इसी रीजन से हम्बल फिल्म बड़े हॉलीवुड स्टूडियो से कोलैब कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि केजीएफ चैप्टर 3 में ऋतिक रोशन की एंट्री देखने को मिलेगी। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। केजीएफ चैप्टर 3 से और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो इस वीडियो मैंने कवर नहीं कर सकता। आप अगर फुल एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो जल्दी से कमेंट करो। नंबर 9 में आता है NTR 30। जूनियर एनटीआर के ट्रिपल आर के सक्सेस के बाद हमें देखने को मिलेगा NTR 30। ये एक आने वाली एक बिग पैन इंडिया मूवी होने वाली है। 2016 के जनता गैरेज के बाद NTR 30 कोलाटा शिवा के साथ फिर से कोलैब करने वाले हैं। एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसमें आपको NTR के साथ आलिया भट्ट देखने को मिलेगा। NTR 30 एक बिग पैन इंडिया मूवी होने वाली है जिसको मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज करने वाले। बात करें फिल्म की रिलीजिंग डेट की, ये फिल्म आपको 19 मई 2023 में देखने को मिलेगा। कोलाटा शिवा से हम काफी अच्छी मूवी एक्सपेक्ट भी करते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये फिल्म रिलीज होने के बाद कितना हाइप क्रिएट करता है। आ रहा हूं मैं। नंबर 8 में आता है प्रोजेक्ट के। ये प्रभास के आने वाली एक साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली जिसका राइटर और डायरेक्टर है नाग गॉसविन एंड प्रोड्यूस बाय भाई जयंती। फिल्म हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में शूट किया गया है। बात करें फिल्म के कास्ट, तो फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन एंड दिशा पटानी भी देखने को मिलेगा। अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा फिल्म में कौन कौन सा रोल प्ले करने वाले हैं। फिल्म का बजट है 500 करोड़, जो की काफी ज्यादा है। ये फिल्म रिलीज होने के बाद देखना होगा ये फिल्म 500 करोड़ के ऊपर के कलेक्शन कर पाता है या नहीं। फिल्म का म्यूजिक दिया है मिकी जे मायर। बात करें फिल्म रिलीजिंग डेट की, तो ये फिल्म आपको 2023 या 2024 के मौके में देखने को मिलेगा। नंबर 7 में आता है एजेंट। तेलुगु लैंग्वेज की अपकमिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं सुरेंद्र रेड्डी। फिल्म को लिखा है भिकंतम भस्मी, प्रोड्यूस बाय एके एंटरटेनमेंट एंड सुरेंद्र 2 सिनेमा। बात करें फिल्म के कास्ट, फिल्म में अखिल, मामोटी, साक्ष्य, विद्या के साथ और भी कलाकार देखने को मिले। फिल्म का बजट है 40 से 50 करोड़, जो की फिल्म रिलीज होने के बाद देखना होगा कितना कलेक्शन कर पाता है। उनका म्यूजिक दिया है हिप हॉप तमिसा ने, जो की बड़े बड़े फिल्म में म्यूजिक देता है। म्यूजिक में आपको थोड़ा सा हिप हॉप का वाइब देखने, जो की सुनने में काफी ज्यादा यूनिक लगता है। बता दो, ये अखिल की पहली पैन इंडिया मूवी होने वाली है। फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च चुका है जो कि इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया है। उनका ट्रेजर ओवरऑल काफी अच्छा है एंड काफी इंप्रेस भी नजर आया है। बात करें फिल्म रिलीजिंग डेट की, ये फिल्म आपको 23 दिसंबर 2022 में देखने को मिलेगा। ये फिल्म आपको मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज करते हुए देखने को मिलेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर अ वाइल्ड राइड। नंबर 6 में आता है PS1। एंड सिल्वर ये एक अपकमिंग एपिक ड्रामा फिल्म होने वाली जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं मणि रतन। ये फिल्म आपको पैन इंडिया लेवल में रिलीज करते हुए देखने को मिलेगा। बात करें फिल्म की कास्ट, तो फिल्म में आपको विक्रम, ऐश्वर्य राय, बच्चन, कार्तिक के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेगा। एंड सिल्वर ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म होने वाली जिसका 5 पार्ट। हाल ही में जो ट्रेजर लॉन्च हुआ है उसका पहला पार्ट का ट्रेजर। फिल्म चोल साम्राज्य की राजा मतलब पुनियन सिल्वर की राजा की कहानी है। उनका VFX कास्ट काफी नेक्स्ट लेवल का है। एंड ये फिल्म 500 करोड़ की बजट पे बनाया गया है। ये फिल्म पैन इंडिया लेवल में रिलीज करने वाले हैं। एंड देखना होगा ये फिल्म रिलीज होने के बाद कितना कलेक्शन कर पाता है। बात करें फिल्म की रिलीजिंग डेट की, तो ये फिल्म आपको 30 सितंबर 2022 में देखने को मिलेगा।
नंबर 5 में आता है दशहरा। नेचुरल स्टार नानी की पहली आने वाली बिग पैन इंडिया मूवी होने वाले, जिसको डायरेक्ट कर रहे श्रीकांत ओडेला। बात करें फिल्म कास्ट, तो फिल्म में नानी, कीर्ति सुरेश के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेगा। फिल्म का छोटा सा ट्रेजर लॉन्च हो चुका है, जिसमें नानी का लुक काफी मास्ट टाइप का दिखाया गया है। आपने अगर फिल्म का ऑफिशियल क्लिप देखा है तो आपको पता होगा फिल्म में नानी का लुक पुष्पा से इंस्पायर होकर बनाया गया है, और पीछे बैकग्राउंड का जो सीन है वो काफी केजीएफ की तरह दिख रहा है। अब तो कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, बट फिल्म का ट्रेलर आने पे सब कुछ रिवील हो जाएगा। और ये फिल्म भी मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा, मतलब ये एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है। बात करें फिल्म रिलीज की, तो ये फिल्म आपको 2023 के मौके में देखने को मिलेगा। नंबर 4 में आता है पुष्पा 2। पुष्पा ये एक नाम नहीं, ये एक बैंड बन चुका है। पुष्पा 2 पुष्पा का ही सेकंड पार्ट होने वाला है, और फिल्म में आपको द स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना, फात बसेल, विजय सिद्धुपति के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेगा। फात बसेल इस फिल्म में एक नेगेटिव रोल प्ले करने वाले हैं, और अपडेट के अकॉर्डिंग इस फिल्म में विजय सिद्धुपति पुष्पा का बॉस बनने वाले हैं। और एक बात, अपडेट के अकॉर्डिंग पहले पार्ट में पुष्पा इतना खर्चा नहीं हुआ था, मतलब 100 से 150 करोड़ में फिल्म बन गया था, बट पुष्पा पार्ट 2 में 400 से 500 करोड़ का बजट आया है। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा सेकंड पार्ट में क्या होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि पुष्पा पार्ट 2 रिलीज होने के बाद उसका तीसरा पार्ट को भी देखने मिलेगा। जैसे पुष्पा के एंड में पुष्पा 2 का स्टोरी कंटिन्यू करते हुए दिखाया गया था, वैसे पुष्पा 2 के एंड में आपको पुष्पा 3 का स्टोरी कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलेगा। अभी ये कंफर्म तो नहीं है, बट अपडेट के अकॉर्डिंग हो सकता है। अब आपको पता है हिंदी ऑडियंस के लिए सुकुमार जी ने कुछ चेंजेस किया है, अब ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा क्या चेंजेस किया। बात करें फिल्म की रिलीज की, तो ये फिल्म आपको 2023 के मौके में देखने मिलेगी, क्योंकि इस फिल्म का शूटिंग अगस्त के महीने में स्टार्ट होगा, बट अभी देखते हैं कितने दिन ये फिल्म तैयार होकर आता है। नंबर 3 में आता है आदिपुरुष। फिल्म में आपको प्रभास, कीर्ति सनन, सैफ अली खान, सनी सिंह के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेगा। सैफ अली खान इस फिल्म में एक नेगेटिव रोल प्ले करने वाले हैं। आदिपुरुष बेस्ट है रामायण के ऊपर, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं ओम राव, प्रोड्यूस्ड बाय टी सीरीज फिल्म। सैफ अली खान तो नेगेटिव रोल प्ले करने वाले, इसके साथ आपको प्रभास श्री राम जी का रोल प्ले करते हुए देखने मिलेगा। अब इस फिल्म में दोनों का आमना सामना किस लेवल का हो पाएगा, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। बात करें फिल्म रिलीजिंग डेट की, तो ये फिल्म 2023 के मौके में देखने मिलेगा। आप अगर इस फिल्म के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 2 में आता है थालापति 67। एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली, जिसका लीड एक्टर थालापति विजय है, एंड इसका डायरेक्ट कर रहे लोकेश कनगराज, जिसने विक्रम और कैदी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है। लोकेश कनगराज की लोकी यूनिवर्स का ही पार्ट होने वाला है। तो पता है लोकेश कनगराज की लोकी यूनिवर्स का पार्ट है विक्रम कैथी जैसी बड़ी बड़ी मूवी, ये विजय के साथ थालापति 67 में देखने मिलेगा। लोकी यूनिवर्स का सारा फिल्म ड्रग्स से जुड़ी होती है। आने वाले समय पे इस यूनिवर्स का और भी पार्ट आने वाला है, विक्रम 3, कैथी 2 जैसी बड़ी बड़ी मूवी। विक्रम 3 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका जो पहले पार्ट था वो विक्रम 2 था, एंड इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो 86 में रिलीज हुआ था, एंड गैस वो भी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म हुआ था उस समय पे। गैस उस फर्स्ट पार्ट में भी कमल हसन था, एंड गैस फात बस भी था, फात बसल फर्स्ट पार्ट में था इसलिए इसको सेकंड पार्ट में भी लिया गया था। और बात करें थालापति 67 रिलीजिंग डेट की, तो ये फिल्म आपको 2023 या 24 के मौके में देखने मिलेगा। इसका काम चल रहा है, आप कितने दिन में कंप्लीट होगा ये समय आने पे ही पता चलेगा। नंबर 1 में आता है सलार। सलार प्रभास की आने वाली एक बिग पैन इंडिया मूवी होने वाली है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 का डायरेक्टर फसा नील अंडर ऑफ हम्बल फिल्म। बात करें फिल्म में कास्ट, तो फिल्म में प्रभास, श्रुति होसेन, जगपति बाबू के साथ और भी कलाकार देखने को मिलेगा। जगपति बाबू इस फिल्म में एक नेगेटिव रोल प्ले करने वाले हैं, ये तो सबको पता है। सलार केजीएफ यूनिवर्स में एंट्री करने जा रहा है। अब ये बैटल सलार और रॉकी भाई के बीच के होगा या और कुछ होगा, ये आपको फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। सलार का इंतजार तो ऑडियंस बेसब्री से कर रहा है। सलार जो की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, यानी इसके एक्शन नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। प्रभास ये फिल्म ये तो कंफर्म है कि बॉक्स ऑफिस में काफी धमाका करने वाला है। रिसेंटली फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस कर दिया है, सितंबर महीने में 28 तारीख को 2023, क्योंकि उसी टाइम पे ऋतिक रोशन की बिग बजट मूवी फाइटर पे रिलीज होने वाला है। यही था अपकमिंग टॉप 11 साउथ इंडस्ट्री पैन इंडिया मूवीज के। में से कौन से मूवी के लिए आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग हमारे चैनल पे आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं, बाय बाय। यानी दोस्त कम लड़के सिर्फ खानदानी, यानी वो जो जान मारे ना के वो जो कान भरे, यानी वो जो साथ खड़े 10 साल से स्पीड।